हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुधा, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैंने बनाए हैं राजमा, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये एकदम पंजाबी स्टाइल का ऑथेंटिक राजमा जो बनता है वो मैंने बनाया है, और बहुत ही ईजी है, आप भी झटपट 2 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है राजमा। ये 1 कटोरी राजमा है, मैंने इसे रात में भिगो दिया था। कम से कम इसे 8 घंटे के लिए भिगोना है। अगर आपको जल्दी राजमा बनाने का मन करता है, अचानक से प्लान होता है, तो आप इसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के भी रख सकते हैं, और उसके बाद आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे प्रेशर कुक करना है। तो मैं ये सारे राजमा को अपने कुकर में डाल ले रही हूँ। सारे राजमा कुकर में डाल के हम इसमें पानी डालेंगे। पानी यहाँ पे मुझे 3 गिलास डालना है। 1 कटोरी राजमा में मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने 3 गिलास पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। पानी डालने के बाद हमें इसमें नमक डालना है, और नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है। नमक अभी हम इसमें नहीं डालेंगे तो ये राजमे फीके बनेंगे। इनमें मसालों की ग्रेवी में तो नमक रहेगा, हम डालेंगे, बट राजमा अंदर से खाने में वो फीके लगेंगे। तो इसलिए नमक और हल्दी डाल के हम इसे गैस पर चढ़ा दे रहे हैं पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे तेज़ आंच पे रखा है 1 सीटी आने तक। 1 सीटी आ जाएगी, इसके बाद हम इसे धीमी आंच पे 5-6 सीटी लगा के पकाएंगे। धीमी आंच पे से अच्छे से पकते हैं राजमे। तो यहाँ पे हम मसाला की ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च, 6-7 कली लहसुन की और हरी मिर्च और टमाटर, इनका हमें पेस्ट बनाना है। तो ये मेरे पास 3 टमाटर हैं, इसे मैं कट कर ले रही हूँ मोटा मोटा ही। और इसे फिर हम ग्राइंडर जार में डाल के और इसे एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस कुछ इस तरीके का पेस्ट बनाना है हमें। पेस्ट बना के हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। और उसके बाद इसी मिक्सर जार में हम अपने प्याज को डाल के भी, हमें इसे एकदम पेस्ट नहीं करना है प्याज को, हमें इसे क्रश करना है इस तरीके का, हल्का पिसा हुआ और हल्का दरदरा सा, तो इस तरीके से रखना है। अब हम इसे तड़का लगाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने पैन में गरम करके इसमें तेल डाल लिया है, और तेल गरम हो जाए तो हमें इसमें डालना है ज़ीरा। आधी चम्मच ज़ीरा डालना है। ज़ीरा के साथ साथ हमें हींग भी डालनी है। हींग टेस्ट भी अच्छा देती है, और साथ साथ राजमा डाइजेस्ट करने में भी अच्छा होता है। तो इसके साथ साथ हम इसमें 2 लौंग और 2 इलायची भी डाल रहे हैं। तो जब हमारा ये सारा तड़का क्रैकल होने लग जाएगा, तब हम इसमें अपने प्याज ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिया है। सारा प्याज ऐड करने के बाद हमें इसे भूनना है। धीमे धीमे आंच पे हमें इसे भूनना है। बहुत लोग पेस्ट बना के प्याज का करते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट उसका जो ऑथेंटिक राजमे का टेस्ट आता है ना, वो पेस्ट वाले प्याज से नहीं आता। इस तरीके से क्रश किया हुआ या फिर चॉप्ड किया हुआ, अगर आप चॉप कर सकते हैं तो चॉप किया हुआ रहे तो अच्छा है। तो मैं यहाँ पे सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमने राजमा में डाली थी तो थोड़ा कम ही डालें। फिर लाल मिर्ची, गरम मसाला, ये हमने डाल दिया। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। सब मैंने आधा टेबल स्पून डाला है सारी चीज़ें। तो मसालों को हमें 10 से 20 सेकंड तक भूनना है इसको अच्छे से, और इससे ज़्यादा भूनेंगे मसाले जल सकते हैं। तो इस समय पे हमें इसमें ऐड कर सकते हैं अपना जो टमाटर और लहसुन मिर्ची का हमने पेस्ट बनाया है, ये हम ऐड कर दे रहे हैं। उसको अच्छे से हमें मिलाना है, सारी चीज़ों को भूनना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मसाले यहाँ पे हमारे भुन गए हैं, इनमें से तेल अलग हो गया है, और आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अपने जो राजमा हमने उबाल के रखा है पका के, वो हम अपना इसमें ऐड कर देंगे, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले और राजमा को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखिए, एकदम अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है इसे। अब इसे हम ढक के पकाने वाले हैं। इसे हमें 5 मिनट से, 4 से 5 मिनट तक इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये राजमा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढक दूँगी और इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि सारी चीज़ें, जो सारा फ्लेवर है वो उसमें आ जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही थी, तो पकने में और थिक हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे पका लिया है 5 मिनट तक। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसे खोल के चेक कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा तेल भी है जो ऊपर ऊपर आ गया है, और अच्छे से ग्रेवी पक गई है, मसाले सारे अच्छे से पक गए हैं। तो ये देखिए, राजमा के साथ सब अच्छे से मिक्स हो गया। तो हम गैस बंद करके और इसमें हरी धनिया से इसे इसमें हरी धनिया भी ऐड कर दे रहे हैं, और उसे अच्छे से मिला लेंगे।
ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। तो यहाँ पे हमारी जो राजमा एकदम रेडी है, तो इन्हें हम अपने सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम टेस्टी और डिलीशियस राजमा हमारे बन के तैयार हो गए हैं, एकदम पंजाबी स्टाइल में। इनका टेस्ट तो एकदम ज़बरदस्त है, आप भी बना के ट्राई करें घर में और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे बने, और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताएं। तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें मेरी वीडियो को, लाइक शेयर ज़रूर किया करें, बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।